हेलो फ्रेंड्स, कविता हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस चिकन टिक्का बनाने का रेसिपी। बहुत ही सिंपल, इजी एंड टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको ये वीडियो देखने की बात पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 500 ग्राम बोनलेस चिकन क्यूब्स में कट करके लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा कप दही, 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और 2 टेबलस्पून नींबू का रस। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन पीसेस को फ्राई करना है, इसके लिए कोटिंग इज मस्ट। अभी हम देख सकते हैं चिकन पीसेस अच्छे से कोट हुआ है। इसे हम 20 से 30 मिनट तक मैरिनेट करने के लिए साइड में रखेंगे। 30 मिनट के बाद पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम करके सारी चिकन पीसेस को 1 by 1 इस तरह फ्राई करेंगे और इसे लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि चिकन पीसेस अंदर से कम्प्लीटली पकाना है। और इनकेस हाई फ्लेम में पकाएंगे तो सिर्फ बाहर से ब्राउन होगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। इसके लिए लो फ्लेम में 5 मिनट तक हम चिकन को पकाएंगे। एक बार चिकन सेट होने के बाद हम बीच बीच में चिकन पीसेस को ऐसे स्टिर करेंगे। 50% चिकन कुक होने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम में या हाई फ्लेम में रख के ऐसे स्टिर करेंगे। दही तो काफी अमाउंट का पानी छोड़ती है, सो चिकन पीसेस अच्छे से मॉइस्ट होके कुक हो जाएगा। अब चिकन पीसेस ऑलमोस्ट डन हुआ है। 5-6 सेकेंड्स तक चिकन पीसेस को हाई फ्लेम में ब्राउन कलर आने तक हम पकाएंगे। चिकन पीसेस तो तैयार हुआ है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब चलते हैं चिकन टिक्का ग्रेवी बनाने के लिए। मैंने यहाँ पैन में 3 टेबलस्पून तेल गरम करके एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज डाल के इसे भून लेंगे। प्याज को स्टिर करके ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज भूनने के बाद अब हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। ये है 2 मीडियम साइज टमाटर का टोमेटो प्यूरी है। फ्लेम को मीडियम रख के टोमेटो प्यूरी और प्याज को अच्छे से मिलाएंगे। एक ड्राई टेक्सचर आने तक इसे फ्राई करना है। अब देख सकते हो अच्छे सा टेक्सचर आया है। अब हम डालेंगे मसाला। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मसाले को अच्छे से कंबाइन करके इसे लो फ्लेम में तब तक पकाएंगे इसे तेल ना छूट जाए। अब देख सकते हो मसाला अच्छे से ड्राई होके तेल छूट गया है। अब हम डालेंगे फ्राई किया हुआ चिकन टिक्का पीसेस। हमें फ्लेम को लो ही रखना है। सब चिकन पीसेस डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन पीसेस को मसाले के साथ अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। ये हम अब अच्छे से मिलाएंगे। नमक को मिलाने के बाद अब हम डालेंगे आधा कप गरम पानी, ल्यूक वार्म वाटर। पानी डालने के बाद फ्लेम को हाई रख के एक उबाल आने तक इसे अच्छे से पकाएंगे। उबाल आने के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी का टेक्सचर तो बहुत ही अच्छे से टर्न आउट हुआ है। अब हम डालेंगे आधा कप फ्रेश क्रीम। यहाँ मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है। फ्रेश क्रीम डालते वक्त आप चाहिए तो फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लो फ्लेम में क्रीम को मिक्स किया है। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। एक अच्छे से टेक्सचर आने तक इसे स्टिर करते हुए 1-2 मिनट तक ही इसे पकाएंगे। यह है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन टिक्का मसाला तैयार हुआ है। आप चाहिए तो इसे रोस्टेड कसूरी मेथी भी ऊपर से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ रोस्टेड कसूरी मेथी का इस्तेमाल नहीं किया है। डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी तैयार हुआ है। इसे आप राइस, रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं। अमेजिंग टेस्ट है, देर किस बात की, जरूर इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको ये आज का वीडियो पसंद आई तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कुक एंड बेक विद कविता।